ये दो त्यौहार हैं, शबे बरात आज शाम से शुरू होगा और कल होली का त्यौहार है, होलिका दहन भी आज रात में मनाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य बेसिकली यही था कि समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मौलवी हैं, जो हिंदू समाज के जो बड़े लोग हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन किया जाए, जिससे कि वो अपने कम्युनिटी में जा कर के इनके घर के जो बच्चे हैं और इनका जो समाज है उसमें एक कम्युनल हार्मनी का भी एक मैसेज दें। दोनों त्यौहार पीसफुली मनाया जाए और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में हम दोनों त्यौहारों को मना सकें। इस मीटिंग में साउथ ज़िले के 15 थानों से ही अमन कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी शामिल हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या पुलिस बंदोबस्त किया गया? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की तरफ से काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। हमने जगह जगह पिकेट्स, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन, एरिया के जितने भी क्रिमिनल या पीसीज हैं जो विघ्न डाल सकते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनके खिलाफ हमने एक्शन ऑलरेडी पिछले 10 दिन से इनिशिएट किया हुआ है। इन मौक़ों पे, खासतौर से होली के मौके पे, इलिसिट लिकर का भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। हमने पिछले एक हफ्ते में ड्राइव करके काफ़ी एक्शन लिया है इलिसिट लिकर के अगेंस्ट, गैम्बलिंग के अगेंस्ट हमने एक्शन लिया है। मेरा इस मीटिंग में भी ये कहने का उद्देश्य था कि पुलिस कोर्सिव एक्शन लेती है, पुलिस जो है लॉ से बधी हुई है, हम लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन समाज के लोगों का अगर सहयोग रहेगा पुलिस के साथ तो हम इसको बड़ी पीसफुली इन सिचुएशंस को हैंडल करके हम एक अच्छा सेफ और पीसफुल होली, सेफ और पीसफुल शबे बरात निकाल सकते हैं। मैडम, कुछ पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जैसे अम्बेडकर नगर, संगम, बिहार, टिकरी, ये तीन काफ़ी दुर्दन बाजी होते हैं, इस पर किस तरीके से स्टंट भी करते हुए नज़र आते हैं होली के दिन? इन एरियाज़ में हमने जगह जगह पे पिकेट्स लगाई हुई हैं, हमारे स्टाफ की ब्रीफिंग की गई है, उनको सेंसिटाइज किया गया है, कोई भी स्टंटबाजी अगर होती है हमारा स्टाफ उनको पिकेट पे ही रोकेगा। जो प्रॉब्लमेटिक पुलिस स्टेशन हैं जैसे कि इन्होंने कहा अम्बेडकर नगर, संगम विहार, तिगरी, इन पुलिस स्टेशन में हमने एरिया डोमिनेशन का भी स्कीम लगाया हुआ है, हमारे पास आउटसाइड फोर्स भी है CAPF की, उनको साथ में लेकर के हम एरिया डोमिनेशन भी करें। मैडम, शब-ए-बारात के रात के समय चिराग दिल्ली जो दरगाह है वहाँ से कम हर साल 20 से 25 बाइक चोरी होते हैं, इस बार किस तरीके का, क्योंकि लोग जो है रात को दुआ करने जाते हैं मगर इधर बाइक चोरी हो जाती है, इस पर भी आप किस तरीके? इस पे भी हमारी पूरी कोशिश है कि हमने डिस्ट्रिक्ट की शैडो टीम को वहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट की ATS जो कि पर्टिकुलरली ऑटो लिफ्टर्स के अगेंस्ट काम करती है उनकी टीम को भी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। थैंक यू। नाम बताइए। मैं सुखबीर सिंह, गोविंद सदन, मेहरौली से। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो है DCP जो साउथ दिल्ली के DCP हैं चंदन चौधरी ने अमन कमेटी मीटिंग रखी, क्योंकि होली और शब-ए-बारात एक दिन, क्या कहेंगे? देखो, ये देखो बहुत ही सराहनीय कदम है, जब पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ऐसा कदम उठाते हैं तो हम अवांछनीय घटनाओं से, बहुत सारी ऐसी अवांछनीय घटनाएं जो हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। वो समाज के अंदर जागृति ही एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी घटनाओं से हम निजात पा सकते हैं। तो आदरणीय DCP साहब ने मीटिंग ली होली और शब-ए-बारात को लेकर, मेरा ये मानना है कि समाज में एक अच्छे संदेश के लिए ये बहुत ज़रूरी था और इन्हें 3 महीने में या 2 महीने में एक आध मीटिंग लेनी भी चाहिए, और अगर पुलिस इतनी जागरूक रहेगी तो मेरे को लगता है क्षेत्रों में जो भी अपने क्षेत्र हैं हर क्षेत्रों में क्राइम कम होगा और आगे जो समाज है अच्छा जागरूक बनेगा। धन्यवाद। मैनुद्दीन मलिक, सावित्री नगर से सर, नियर मालवीय नगर। आज जो मैं DCP मैडम की जो मीटिंग हुई थी वो इसलिए हुई थी होली और शब-ए-बारात के लिए कि जिसने अपना अमन चैन बना के रखें, आपस में भाईचारा बना के रखें, तो उसमें ही सबसे बेहतर है, और ना हमारे कभी ऐसा हुआ है और ना ही हुआ है आज तक। आप लोगों को कैसे मैसेज देंगे, कैसे जागरूक करेंगे जो स्टैंड बाज होर्डिंग करने वाले लोगों को मैसेज दे रहे स्टैंड बाज का ऐसा है, पहले जाके अभी जाएंगे ऐलान करेंगे मस्जिद में, उसे कहेंगे आगे के लिए कभी भी आगे जाके ना किसी को ना तंग करना, कुछ करना ना स्टैंड करना, रात को बिल्कुल नहीं करा, हम सारे बच्चों को अपने को यही कहेंगे। ठीक है।